गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड, अभी मैं जा रही हूँ गौशाला से घर। तो दूध मैंने दूध लिया है और पीछे मैल लिया है किडू में। तो अभी खोला वो गिल्ला है तो थोड़ा भारी है, तो मैं चलते चलते थोड़ा सा हम लोगों को बताऊँगी कि कहाँ से जाती हूँ मैं घर और कितने दूर है गौशाला से मेरा घर। तो फ्रेंड, इधर से स्टार्ट है सड़क और यहाँ से दिखाती हूँ मैं, ये मेरी गौशाला नीचे वाली और यहाँ पे पुराने घर पहले भी दिखाए थे। और यहाँ से जा रहे हैं हम, मंदिर है आगे आगे, मेरे बेटे वेट कर रहे हैं मेरा। तो ये बहुत बड़ा पेड़ है खिड़क का और ये मंदिर। मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था बताने के लिए, तो मैंने सोचा मैं घर से गौशाला से घर का थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। 200 ग्राम दीबू हेलो कर दो। हाय यो हिमांशु, हेलो हेलो मम्मा, पेड़ मम्मी, हाँ मम्मी। से जा रहे हैं हम घर कच्ची सड़क से, और बारिश के कारण ना ये पूरा निकल गया है जो भी मिट्टी बिछाई गई थी सड़क में। तो यहाँ पे ना अभी ये लग रहे हैं खाने के लिए, या कश्मूले कश्मूले, अभी ये पकेंगे, काले काले से होंगे और बहुत ही अच्छे होते हैं। जब हम बच्चे होते थे ना, तो हम बहुत खाते थे और काली काली जीभ हो जाती थी पूरी, बहुत मज़ा आता था, वो लाइफ बहुत ही अच्छी थी। तो फ्रेंड, अभी हम चलते चलते थोड़ा सा शूट कर रहे हैं, तो कैमरा भी हिल रहा है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे ही चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं अपने घर। तो ये यहाँ पे शेगर जो है लोई को लोगों ने कर लिया है, हमने नहीं किया। अभी मैं बताती हूँ कैसे फोड़ते हैं इनको जोर जोर से पत्थरों में छनाट छनाट के, इनकी शरारतें लगी रहती है। पढ़ना थप्पड़। खाने थे ये, बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत हुए हैं इधर। अखराड़ बोलते हैं, माफ पता नहीं क्या बोलते हैं, आखरे। ये हमारी पहाड़ी चक्की घराट, बताया था मैंने इसका ब्लॉग भी आपको, आप लोगों के साथ किया था शेयर। शाम के टाइम का व्यू इस तरह से है। यहाँ से जा रहे हैं हम खड्ड को क्रॉस करके, बरसात के टाइम तो बहुत पानी होता है। टुल्लू पंप लगाया गया है मच्छी के लिए और झाड़ी बहुत हो गई है। चलो चलो, हम थोड़ा शॉर्टकट आ गए हैं, वहाँ सड़क से नहीं गए। तो यहाँ पे मच्छियाँ बनाई है, छोटी छोटी पाली गई है, ट्राउट फिश है। इधर दो टैंक इधर है और दो टैंक नीचे है। आराम से चलो, यहाँ पे जाली लगाई गई है क्योंकि मत रहने दे, रहने दे रहने, तुझे बोला कसम से वीडियो नहीं जब आई है। छोटी छोटी है इधर, छोटी 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 मच्छियाँ, परले वाले में बहुत बड़ी बड़ी। और चलो 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 चलो, वैसे हम पाली साइड से जाते थे सड़क से, आज हम शॉर्टकट आ गए, इधर से ही खेत से होके जा रहे हैं। हम पहुंचने वाले हैं घर, ये दिख रहा है हमारा घर। हमने सोलर लगाया है, दिखता नहीं। और मैंने मैल ली है ना, बहुत भारी है और बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, चुभ रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। कचाड़ू लगाए हैं मैंने, तो मैंने सोचा कचाड़ू में मैल को ले जाती हूँ, थोड़ा सा अच्छा होता है, एक जितना मैल फेंकेंगे उतने अच्छे होंगे। और यहाँ पे फ्रास्ट बीन लगाई है,
आलू और निचले वाले थाली में भिंडी लगाई है। लो इसको ले जाओ। और ये मटर, आलू बहुत ही अच्छे हुए इस बार। और यहाँ पे भी लगाए आलू। रुक रुक कहाँ आई? एक बड़ा खेत इधर लगाया है आलू का, ये देखो। बंदर खा लेते थे बट इस बार यहाँ पे एक कुतिया रहती है ना, वो बिस्सी काली जैसी, आपने देखी होगी कभी वीडियो में। तो अभी बारिश के कारण ये घास भी बहुत ही अच्छा हो गया है इधर। तो यहाँ पे लगाए हैं मैंने कचालू, तो जब निकालूंगी ना आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। ये लगाई है खालिया, तो ये मैंने मैल को फेंक दिया और बाहर से इनको ढकना है अच्छी तरह से, मतलब ऐसे ऐसे करना है। जितना मैल फेंकेंगे उतने अच्छे होते हैं। कचालू तो बहुत सारे कामों में आते हैं, सब्जी, हरे पत्तों की सब्जी, कचालू के पत्तों के पतरोड़ू भी बनते हैं, आप लोगों को पता है, ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को गौशाला से घर तक का, तो प्लीज़ कमेंट में बताना और वीडियो को पूरी वॉच करना। और अभी मैं मैल को ये कर रही हूँ हाथों के साथ, इन खालियों में अच्छी तरह से इनको बाहर से ढकना है। तो प्लीज़ फ्रेंड, जो भी लोग वीडियो देखते हैं लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो इसी के साथ ब्लॉग को फिनिश कर रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।